फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार नारनौल में आज उपस्थित हैं हम। नारनौल में पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका सेलिब्रेशन है, तो जो सेलिब्रेशन है उसमें हम आए हैं। मैं कैमरामैन साथी से अनुरोध करूँगा कि वो मेरे पीछे पीछे आए। हम यहाँ इस सेलिब्रेशन के अंदर जा रहे हैं, आपको दिखाएँगे कि किस प्रकार का ये सेलिब्रेशन है। आइए मेरे साथ साथ। बहुत ही भाई साहब एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम वल्चर इंस्टीट्यूट नारनौल के अंदर हैं। महेंद्रगढ़ जिले की ये अलग से एक विधानसभा है जहां पर हेडक्वार्टर जो डिस्ट्रिक्ट का होता है वो है। नारनौल के अंदर हम पहुंच चुके हैं। यहां पर वल्चर इंस्टीट्यूट जो है वो अपने कुछ चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ, यहाँ पर जो बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये बच्चे जो हैं सम्मानित किए गए इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो इंस्टीट्यूट के यहाँ पर सभी जो स्टाफ मेंबर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं सभी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में यहाँ पर पेरेंट्स भी बैठे हैं, आप देख सकते हैं साफ साफ तस्वीरों के अंदर। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से सम्मानित किया गया है। हाल फिलहाल ये प्रोग्राम शायद ख़त्म होने को आ गया है, बाकी अभी यहाँ जो संस्था के जो डायरेक्टर सर हैं प्रदीप प्रजापति जी उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप आगे आइए सर, और आगे जाओ जी। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। प्रदीप जी से बातचीत करते हैं और प्रदीप जी से जानते हैं कि किस प्रकार का कार्यक्रम है, क्या विषय है। प्रदीप जी आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर स्वागत है। हेलो सर, थैंक यू जी। क्या कार्यक्रम है सर बताएं? सर आज जो बच्चे हमारे इस साल नीट में सेलेक्ट हुए हैं उनको हमने थोड़ा सम्मानित किया है इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो उसका हमने एक प्रोग्राम रखा है जी। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ना बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा ताकि वो अपने फ्यूचर में आने वाले टाइम में भी ऐसे काम करें जिनसे उनको बार बार ये मौका मिले और अपने लाइफ में आगे बढ़े वो जी। किस तरह की तैयारी करवाते हैं आप यहाँ पर? सर हम यहाँ पर IIT JEE नीट और प्री फाउंडेशन में NTSC वगैरह की तैयारी करते हैं। तो आज यहाँ नीट का रिजल्ट आया? हाँ, नीट का रिजल्ट आया। कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए अपने? सर 8 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए अपना, मतलब ओवरऑल कंपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ, काफ़ी मशक्कत के बाद कहीं ना कहीं नीट क्लियर हो पाता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे चलकर डॉक्टर्स बनेंगे? हाँ सर। चलिए बहुत बहुत बधाई है सर आपको। थैंक यू। और आगे भी इस तरह के रिजल्ट आप देते रहेंगे हम उम्मीद करते हैं। हाँ सर जी। यहाँ पर चेतना मैम जो हैं, यहाँ पर जो स्टाफ हैं मुंबई से हैं आप शायद? हाँ, यहाँ अभी मुझे मैं जब आया तो मुझे बताया गया कि आप मुंबई से हैं। बहुत अच्छी बात है। मुंबई में आप पढ़ाते होंगे या फिर पढ़े भी होंगे, वहाँ पर रहते हैं। वहाँ के क्षेत्र और यहाँ के क्षेत्र में बहुत सारा डिफरेंस है अपने आप में। मैं खुद वहाँ विजिट करके आया हूँ। बाकी यहाँ पर हमारे जो यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स या फिर हमारे जो स्टूडेंट्स, आपको कैसे लगे, कैसा इनका सहयोग है? नहीं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारा खुद का जो भी हम करते
वो फल नहीं दे पाते अगर ये नहीं मेहनत करते थे। जी बिल्कुल, ये टीम वर्क के हिसाब से, टीम वर्क के हिसाब से इन्होंने बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। यहाँ के बच्चे मेहनती है, उनसे जो कहा जाए वो करते हैं। अच्छा, मतलब अच्छी बात है। हाँ जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स भी खड़े हैं, स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। जी, आपका नीट क्वालिफाई हुआ है, क्या नाम आपका? हिमानी। हिमानी, आप पहली प्रयास में ही आपका एडमिशन हो गया या फिर ये नीट क्वालिफाई हो गया, या फिर दो प्रयास थे, तीन प्रयास? सेकंड अटेम्प्ट। यहाँ पर आपने कोचिंग लिए, कब कोचिंग लेने लगे थे आप? मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था, दिसंबर में। और आपने कुछ महीनों की मेहनत कह सकते, क्योंकि अभी तो साल भी नहीं हुआ। हाँ। और फिर आप यहाँ पर नीट क्वालिफाई करके वापस सम्मान समारोह में आ गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जो आज तैयारी कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना 100% देना चाहिए, मतलब जहाँ भी आप काम करो मतलब अपना 100% दो, और टीचर्स के साथ एकदम कोऑपरेटिव रहो, जिससे कि आपका रिजल्ट एकदम 100% अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। तो और भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, इनमें से और एक दो स्टूडेंट की आपसे बातचीत करवाते हैं। आपका नाम क्या है जी? दीक्षा। दीक्षा, कहाँ से हैं आप? दीक्षा, अटेली नांगल से। अटेली नांगल से, नारनौल शहर के अंदर ये शहर है। तो क्या आप डेली अप डाउन करते थे? नहीं, मैं यहाँ रेंट पर रहती थी। अच्छा, स्पेशल पढ़ाई के लिए। हाँ। बहुत अच्छी बात है। कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप पहले? डीएवी। तो उसके अंदर तैयारी होती थी नीट की? नहीं, उसके अंदर तैयारी नहीं होती थी, वहाँ सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाया जाता था। यानी स्पेशल तैयारी आपने यहाँ पर आके की, और यहाँ पर आकर की तो उसके बाद नीट क्वालिफाई हो गया। क्या कहना चाहेंगे अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं, या फिर जो वल्चर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर हैं, या फिर अन्य जो सदस्यगण हैं उनके बारे में? वल्चर इंस्टीट्यूट ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, लॉकडाउन के हार्ड पीरियड में उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और हमारे सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए, और मेरे कैरियर इम्प्रूवमेंट में उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है मुझे। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर सभी से तो हम बातचीत नहीं करवा सकते, लेकिन एक आध स्टूडेंट से और बातचीत करवाएंगे। आपका नाम क्या है? मिताली संधू। मिताली, आपने यहाँ पर कब एडमिशन लिया था जी? मैंने दिसंबर में एडमिशन लिया था जी। यहाँ पर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या दूसरे अन्य जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो भी आपकी पढ़ाई के अंदर आते हैं, बायो वगैरह, कैसे आप पढ़ाते हैं टीचर्स? यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं और रेगुलर टेस्ट लेते हैं। बात करें कुछ डाउट सेशन होते हैं बाद में क्लास के बाद, क्या वो चीज़ें भी यहाँ पर उपलब्ध हैं? हाँ, यहाँ पर कभी भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं, टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अब आप लोग सम्मानित हुए हैं, और वैसे भी नीट क्वालिफाई कर लिया तो बहुत अच्छी खुशी की एक बात रही होगी। तो कैसा लग रहा है अब आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो पीछे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, देख लीजिए आप भी, ऐसे आप भी फ्रंट में आ सकते हैं, ये पगड़ी पहनाकर आपको भी सम्मानित किया जा सकता है, और आपको भी कुछ इस तरह से जो यहाँ पर बुके और जो माला पहनाकर आपका स्वागत किया जा सकता है, आपका सम्मान किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट से बातचीत करना चाहेंगे जो यहाँ पर हाल फिलहाल पढ़ रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है जी? हर्षिता। हर्षिता, आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? हाँ। कब से? जनवरी से आप तैयारी कर रहे हैं, और अभी कोई एग्ज़ाम दिया है यहाँ पर NEET या किसी भी दूसरे कोर्स का जो उसका भी होता है? हाँ, ये टिकट ये है। तो अभी क्या रिजल्ट नहीं आया है? नहीं, मतलब वल्चर में जो होते हैं, वल्चर जो कंडक्ट कराता है वो दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मेंस जो भी है वो नहीं, नहीं अभी है। तो 11th में तैयारी कर रहे हैं। हाँ। कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी बात है। और भी यहाँ पर स्टूडेंट खड़े हैं जी, आपका क्या नाम है? नीति। नीति, क्या करते हैं आप यहाँ पर, किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? सर 11th मेडिकल, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीट प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ इसी इंस्टीट्यूट का चुनाव आपने क्यों किया? सर मुझे बेस्ट लगा, सबसे अच्छा ये इंस्टीट्यूट बेस्ट लगा। कैसे कह सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है? सर यहाँ पर हर टीचर अवेलेबल होता है जी। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम उनसे कभी भी पूछ सकते हैं जी। और यहाँ पर आप संडे को भी आ सकते हो, वैसे क्लासेस नहीं लगती, बट आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी करने के लिए भी आ सकते हैं, डाउट सेशन के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स, भीड़ तो आप देख ही रहे हैं पीछे तस्वीरों के अंदर, काफ़ी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, और काफ़ी क्लासरूम्स में अलग अलग जो कोर्सेज हैं उनकी क्लासेज चलती हैं। तो यहाँ पर सभी से तो हम बातचीत नहीं करवा सकते, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही सम्मान के योग्य जो हैं, जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार सर। तो यहाँ पर सर एक मिनट, आप किस स्टूडेंट के पेरेंट हैं जी? मैं हिमानी का पापा हूँ। हिमानी, तो आपकी गुड़िया तो सेलेक्ट हुई है, कैसी तैयारी यहाँ से करवाई गई ये तो सामने है ही, लेकिन क्या कहेंगे कि यहाँ के जो निदेशक सर हैं और यहाँ की जो टीम है, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका व्यवहार कैसा है?
ऐसा है सर जी, मैं तो सबसे पहले पीपी सर का, चेतना मैडम का जी, अपने दलीप जी का, इनका सबका आभारी हूँ जी। मैं मेरी बच्ची को इस योग्य बनाया इन्होंने, जो पास आउट करेगी, नीट क्वालिफाई कर। और सबसे बड़ी बात ये है कि दक्षिणी हरियाणा जो एजुकेशन में अब जो बनने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल, उसमें एक जो वल्चर इंस्टीट्यूट का नाम जुड़ गया, मैं उसके लिए इनका और आभारी हूँ जी। बिल्कुल, वह आकाश के कंपेरिजन एक वल्चर इंस्टीट्यूट और आई है यहाँ पर जी। बिल्कुल, ठीक है ना, जो अपने एरिया के लिए ये बहुत बढ़िया हुआ है जी कि दक्षिण हरियाणा एजुकेशन अब में आगे बढ़े, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी कास्ट का हो, किसी हिंदू धर्म चाहे ईसाई जो भी हो, मतलब भाई दक्षिण हरियाणा आगे बढ़ना चाहिए, हम तो यही कह रहे हैं। अच्छा, एक विशेष बात और मैं यहाँ पर, जैसे आपने दक्षिण हरियाणा की बात करी या महेंद्रगढ़ ज़िले की बात करी, तो महेंद्रगढ़ ज़िला अपने आप में आज की तारीख में एजुकेशनल हब बन चुका है, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस यहाँ पर हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे आ चुके, लेकिन आज भी जैसे कुछ युवा जो आपके बच्चे भी और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे युवा हैं जो हमारे दर्शकों में भी हो सकते हैं, जो अपना समय खराब कर रहे होते हैं, जो पबजी खेलते हैं या फिर दूसरे अन्य गतिविधियों में अपना समय खराब करते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? बस संदेश यह है कि इन चीज़ों से अवॉइड रहो जी जी, अपना एजुकेशन को आगे बढ़ाओ, पेरेंट्स को भी यही सलाह, उनको मिनिमम मोबाइल से मतलब दूर रखो जी जी, ठीक है ना, यही इसका बचाव है जी, और तो क्या है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो हमारे साथ बने हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ में जो 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो उनमें से कुछ पेरेंट्स यहाँ पर हैं और उनमें माताएं भी यहाँ पर हैं। मैम एक मिनट, आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम शीला है। शीला, आपके किस बच्चे का क्या नाम है गुड़िया का? मेरे बेटे का नाम राहुल है, वो यहाँ पे है नहीं, उसका सिलेक्शन नाइजर में भी हो रखा है और नीट में भी हुआ है। अच्छा, अभी वो नाइजर में है, उसे पता नहीं था कि आज फंक्शन है, इसलिए वो थोड़ा अच्छा वो पहुँच नहीं पाया है, ठीक है, लेकिन आप पहुँचे यहाँ पर, हमें बहुत खुशी है। आज वल्चर इंस्टीट्यूट ने सभी बच्चों को सम्मानित किया है और मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि इसने वल्चर इंस्टीट्यूट में पहले ही बार में इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और मेरे बच्चा कोटा तक भी गया है, लेकिन मैंने यहाँ के फैकल्टीज़ की जो मेहनत देखी है वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में उभर के आने वाला इंस्टीट्यूट है जी, और पेरेंट्स के लिए कि बहुत ही विश्वसनीय लग रहा है मुझे। बहुत अच्छी बात है, और मुझे बहुत गर्व है इस इंस्टीट्यूट पर कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। मैं चाहती हूँ सभी बच्चों का अच्छे से सिलेक्शन हो जी, और सभी मेहनत से पढ़ अच्छी तैयारी करें। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे सोशल मीडिया से दूर रह के कड़ी मेहनत से अगर मेहनत करते हैं तो बच्चों के लिए कुछ भी टफ नहीं है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर मैनेजर सर खड़े हैं, मैनेजर सर आप ये बताएं कैसे, क्या मतलब किस प्रकार के मैनेजमेंट के माध्यम से आप यहाँ पर अपने टीम को मोटिवेट करते हैं कि वे ये इस तरह का रिजल्ट दे पा रहे हैं? देखिए सर, क्षेत्र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने अपना इंस्टीट्यूट का प्लान किया है जी। हमारे क्षेत्र में कोटा के पैटर्न पे इस इंस्टीट्यूट नहीं थे, तो हमने उसका प्लान किया, और प्लान करते करते डायरेक्टर सर का उन्होंने स्टार्ट किया था प्लान इंस्टीट्यूट के लिए, तो हमने फिर कारवां जुड़ता गया, लोग जुड़ते गए, बच्चे अच्छे अच्छे जुड़ते गए, और आप लोगों के सहयोग से हमने आज बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी ये जो स्टूडेंट्स हैं सारे जो यहाँ पर हैं, इसमें जैसे एक अच्छी बात मेरे को यहाँ देखने को मिल रही है, गर्ल्स और बॉयज़, जैसा कि अपना क्षेत्र है, इसमें गर्ल्स को थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारा तो महेंद्रगढ़ ज़िला और झज्जर आज से 10 साल पहले की बात अगर हम करें तो लिंगानुपात में भी बहुत पीछे था, लेकिन यहाँ पर आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ दोनों चीज़ें यहाँ पर सार्थक नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं बातचीत करूँ एक लड़की की तो मैं बात करूँगा नहीं, वो तो एक जो आज अनुपस्थित भी है, बाकी उपस्थित सारे जो भी यहाँ पर हैं, जो चयनित विद्यार्थी कह सकते हैं या जिनका भी नीट क्लियर हुआ है, क्वालिफाई हुआ है, वो सारी गर्ल्स हैं, कितनी अच्छी बात है। तो जी, क्या माहौल दे रखा आपने कि गर्ल्स की संख्या इतनी ज़्यादा है यहाँ पर? सर, सबसे पहला क्या है कि गर्ल्स के लिए पेरेंट्स एक ही चीज़ देखते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जी। अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बेस्ट है तो पेरेंट्स बहुत जल्दी से बिलीव करते हैं जी, और एक सिस्टम अच्छा हो और साथ में एक एकेडमिक टीम आपके पास बहुत अच्छी हो, जब ये तीनों पैरामीटर्स एक साथ मिल जाते हैं ट्राइंगल में, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत अच्छी बात, और आगे भी हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आगे आने वाले टाइम में, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। अभी बात करें आगे किस प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी आप अपने बच्चों को या विद्यार्थियों को करवा रहे हैं यहाँ पर? सर देखिए, हमारा एक अभी स्कॉलरशिप टेस्ट है, स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं
कहेंगे, बेसिकली इसको एक टैलेंट सर्च एग्ज़ाम कहेंगे जो हमारा 21 नवंबर को है और 28 नवंबर को है, 2 फेजेस में होगा, फेज 1 एंड 2। तो उसकी बच्चों की तैयारी करवाई जा रही है। उसमें 7th क्लास से लेकर 11th स्टडिंग बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसमें हम टॉप 20 बच्चे अलग से सेग्रीगेट करेंगे, उनमें से छांट लेंगे जिनको हम बेस्ट अपने जो टॉप बैच हैं उस बैच में उनको एनरोलमेंट देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, शुभकामनाएँ हमारी तरफ से आपके स्टाफ को, आपको और हमारे जो संस्थापक हैं इस संस्थान के, वल्चर इंस्टीट्यूट के, प्रदीप जी आपको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएँ। आप सभी स्टाफ मेम्बर्स मिलकर अच्छी मेहनत करें, बस हम ये उम्मीद करते हैं कि आज यहाँ पर कुछ बच्चे, यानी जैसे संख्या में आपने बताया 8 बच्चे, अगली बार जब हम आएँ तो यहाँ पर संख्या ज़्यादा हो और सोफ़े यहाँ पर ज़्यादा लगाने पड़े। और बाकी सभी स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी पेरेंट्स का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी दर्शकों हम दिखा रहे थे आपको यहाँ पर जो नारनौल वल्चर इंस्टीट्यूट है उसके अंदर हम पहुँचे थे, महेंद्रगढ़ ज़िले के एक विधानसभा क्षेत्र नारनौल के अंदर हम थे, जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है अपने आप में वल्चर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर वल्चर इंस्टीट्यूट आप देख सकते हैं, ये साफ साफ इसमें मेंशन है। तो वल्चर इंस्टीट्यूट और अंदर आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर कार्यक्रम जो चल रहा था, ये वल्चर इंस्टीट्यूट के अंदर हम थे आज और वल्चर इंस्टीट्यूट के अंदर हम पहुँचे थे। तो वल्चर इंस्टीट्यूट हमने आज आपको दिखाया कि किस प्रकार से NEET नीट के अंदर ये स्टूडेंट्स को बड़ी मेहनत करवा के और इन्होंने रिजल्ट दिया है, बहुत ही अच्छी बात, सकारात्मक रिजल्ट रहा। इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आप सभी बार बार आकर हमारे वीडियोस को देखते हैं, बड़ा प्यार दे रहे हैं आप, बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए अनेकों बार धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल सके कि हाँ वल्चर एक इंस्टीट्यूट है जो नारनौल शहर के अंदर ही है और इतनी अच्छी तैयारी करवाता है कि सिलेक्शन पे सिलेक्शन दे रहे हैं। अगेन आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।